देखिए आज के डेट में हर कोई आम का प्लांट अभी के डेट में देखा जाए तो छत पे, पॉट में या गार्डन में लगा रहे और हर कोई लगाना पसंद करते हैं। पर लगाना जितना ही आदमी पसंद करते उतना ही उसको मेहनत करना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जो टेरेस गार्डनिंग और पॉट में होता है ना, उसमें अगर आप आम का पौधा लगाते तो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। आप लोग कभी कभी ऐसा देख लेंगे जो पौधा मर जाता है, बहुत से ऐसा मैं रिव्यू देखा हुआ हूँ जिसमें बहुत से ऐसा प्लांट मंगवाए हैं और वो प्लांट मर चुका है, वो बराबर से लगा नहीं है। बहुत से ऐसा कारण आया जिसका मैं बहुत रिव्यू ऐसा देखा हूँ, पढ़ा हूँ। ज़्यादा करके देखा गया तो ऑनलाइन जितना भी पौधा आता है उसमें ज़्यादा करके देखा जाता है तो प्लांट मर जाता है, बहुत कम ही लगता है। 5 प्लांट मंगाते हैं तो ऐसा लगता है 3 प्लांट मर जाता है, 2 प्लांट ही बचता है। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम आया हुआ है जो मैं देखा हुआ हूँ। तो अक्सर लोग जो गलती करते हैं, जो आम का प्लांट लगाना चाहते हैं छत पे, गार्डन पे, और वो अच्छी तरह से सक्सेस नहीं हो पाते और ना अच्छा फ्रूट ले पाते हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि आम का जो प्लांट होता है ना, हर प्लांट आप छत पे या पॉट पे नहीं लगा सकते हैं। या आप जब भी कोई प्लांट लगाते तो आम का प्लांट में बहुत ज़्यादा केयर और बहुत ज़्यादा देखभाल का ज़रूरत पड़ता है। हम लोग बहुत बार ऐसा गलती कर देते हैं कि आम में ऐसा ग्रोथ लेने के लिए ना जाने क्या क्या फर्टिलाइज़र दे देते हैं जो आम में तेज़ी से ग्रोथ ले। तो ऐसा बहुत सारा कारण है जिसके कारण आम अभी के डेट में मर जाता है या अच्छा रिजल्ट आम में नहीं मिलता है जब वो गार्डन में या पॉट पे लगाते हैं। तो आज मैं इन्हीं कारण से बतलाऊँगा कि आप अपना छत पे या पॉट में किस तरह से अपना आम का पेड़ लगाए और उसमें आप अच्छा रिजल्ट देखें और ले। तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं, जो पहला टिप्स है मैं आप लोगों को फॉलो, आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से सुनिए, जो भी मैं टिप्स बता रहा हूँ वो अच्छी तरह से सुनते रहिए। जब भी आप आम का प्लांट लगाना चाहते हैं, सोचते हैं छत पे या पॉट पे लगाने के लिए, तो हमेशा आप वैरायटी, सबसे पहले आपका मेन होता है वैरायटी। हर प्लांट आपको छत पे या पॉट में आप नहीं लगा सकते हैं और उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। जब भी आप छत पे या पॉट में आम का प्लांट लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि आप वैरायटी चेक करके ही आप छत पे या गार्डन पे प्लांट लगाएं। बिना वैरायटी चेक किए, आप हमेशा चेक किए कि वो डी ड्रॉप वैरायटी या सेमी ड्रॉप वैरायटी हो, वही आप छत पे लगाएं। बाकी सब कोई भी वैरायटी आप छत पे ना लगाएं तो सबसे बेटर होगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हो सकता है आपका प्लांट मर भी सकता है। दूसरा गलती करता है, जब भी प्लांट नर्सरी या ऑनलाइन से लेके आते हैं तो प्लांट रिपोर्ट करने में प्रॉब्लम होता है। अक्सर ज़्यादा करके जो प्लांट मरता है वो इसी कारण मरता है। जब भी आप नर्सरी से या ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करना है। अगर आप नर्सरी से, अगर आपका लोकल नर्सरी से कोई भी आम का प्लांट लगाते लेकर आते हैं, वो आपको रिपोर्ट करना है तो कम से कम उसको 8 दिन छोड़ देना है, कम से कम 5 से 8 दिन छोड़ देना है। फिर भी आप जब भी लेके आए, अगर आप गमले में आपको रिपोर्ट करने के लिए नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो गमले के लिए सबसे बेस्ट होता है कि वो आपका थैली में या ग्रो बैग में लगा हुआ होना चाहिए या उसका रूट बाउंड होना चाहिए। कभी भी नर्सरी से ज़मीन का उखाड़ा हुआ प्लांट आप पॉट में ना लगाएं, उसमें आपका 100% चांस रहता है कि मर भी सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप नर्सरी से लेके आते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए। अगर वो ग्रो बैग में लगा हुआ है, उसका ग्रोथ अच्छा है, फिर भी उसको कम से कम 5 दिन के लिए ऐसा जगह पे रख दे जहाँ पे वातावरण उसका अच्छा हो और झाड़ की इधर रख दे, फिर इसके बाद आप उसको गमले में रिपोर्ट करें। दूसरी बात होता है, जब भी आप ऑनलाइन प्लांट लेके आते हैं और उसको हम ज़्यादा देखते तो 2 से 3 दिन या 4 दिन में हम उसको लगा देते हैं, तो ये भी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप ऑनलाइन प्लांट लेके आते हैं तो वो प्लांट को डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करना है, वो प्लांट को कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आपको छोड़ के रखना होगा। कभी भी आप आम का प्लांट में जल्दबाजी ना करें तो ही सबसे बेटर होता है। आम के प्लांट में जल्दबाजी करने से ही आम का प्लांट मर जाता है, तो ये चीज़ याद रखिए। जब भी आप ऑनलाइन जब भी प्लांट मंगाते तो कम से कम उसको 15-20 दिन तक छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उसको एक जगह से नहीं मंगाते, हर जगह का अलग क्लाइमेट रहता है, अलग वातावरण रहता है। तो जब भी आप लेके आते तो उसको वहाँ से यहाँ आने तक कम से कम 8 दिन का सफ़र वो तय करता है,
और 8 दिन तक वो ना जाने किस हालत में आता है, आप सोच सकते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट अलग रहता है, आप जिधर रहते हो वहाँ का क्लाइमेट अलग होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, इसलिए प्लांट को मरने की ज़्यादा चांस रहता है अगर उसी समय आप रिपोर्ट कर देते हैं तो। उस प्लांट को जब भी आप लेके आए तो अच्छी तरह से सावरिंग कर दे, और उसको एक ऐसा सावरिंग करने के बाद उसमें आप फंगीसाइड इंसेक्टीसाइड का एक बार स्प्रे करके उसको एक ऐसा जगह पे रख दे जहाँ पे हवा पानी आता हो और कम धूप लगा हो, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में आपको बिल्कुल भी नहीं रखता, एकदम हल्का सा धूप सुबह सुबह का ऐसा लगे, वो भी थोड़ा सा, या नहीं लगे तो भी चलेगा, धूप नहीं लगेगा तो भी चलेगा, मगर हाँ एकदम वातावरण अच्छा होना चाहिए और एकदम अच्छा ब्राइटनेस एरिया पे आप रख दीजिए। कम से कम 15-20 दिन आपको रखना पड़ेगा उसी थैली में, उसी ग्रो बैग में। और जब आप देखें कि उसमें हाँ आपका ग्रोथ ले रहा है धीमे धीमे, इसके बाद आप रिपोर्ट करें। कभी भी गलती लोग यही करते हैं, ऑनलाइन प्लांट लेके आते हैं और उसको 5 से 6 दिन में उसको रिपोर्ट कर देते हैं, फिर वो प्लांट आप देखेंगे तो 1 से 2 महीना हो जाता है, वो ग्रोथ नहीं लेता है और धीमे धीमे उसका प्लांट मर जाता है। तो यही कारण होता है, ये अक्सर जो मैंगो का जो प्लांट मैं बोल रहा हूँ ये मरता है तो ऑनलाइन ही प्लांट मंगाने से मंगता है। आप ऑनलाइन वही प्लांट मंगाइए जो आपका लोकल नर्सरी में ना मिल रहा हो, या लोकल नर्सरी में ओरिजिनल प्लांट ना मिलता हो, इसके बाद ही आप ऑनलाइन प्लांट मंगाइए। नहीं तो आपको लोकल नर्सरी में अगर प्लांट मिलता है तो उसमें उतना मरने का टेंशन नहीं रहता है, जितना ऑनलाइन प्लांट आता है मरने का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो ये चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि जब भी आप ऑनलाइन प्लांट मंगाते तो कम से कम 15-20 दिन उसको छोड़ दीजिए, उसका जब ग्रोथ हो ले रहे धीमे धीमे, इसके बाद उसको आप रिपोर्ट कीजिए। ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए। दूसरा जो गलती करते हैं आदमी लोग, गमले का मैंगो का प्लांट होता है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेता है बाकी पेड़ों के, बाकी जो पेड़ पौधा होता है उसके मुकाबले आम का जो पेड़ होता है वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ नहीं लेता है, उसका ग्रोथ काफ़ी धीमे धीमे होता है। तब जब भी रिपोर्ट करें या गमला चॉइस करें तो उसका उम्र के हिसाब से ही चॉइस करें, कभी भी उसको डायरेक्ट कप बड़ा में गमला में ना लगाए तो ठीक है। मान लीजिए आपका प्लांट अगर 5 महीना या 3 से 4 महीने का नया प्लांट है तो उसको कम से कम आप 10 इंच का ही पॉट में लगाएं, 10 इंच से बड़ा नहीं। एक चीज़ याद रखें, जब भी आप मैंगो का प्लांट लगाते हैं तो या तो मिट्टी का होना चाहिए या सीमेंट का होना चाहिए, ये दो ना मिले इसके बाद ही आप प्लास्टिक का यूज कीजिए। तो जब भी आपका प्लांट मान लीजिए एक 5 से 6 महीना पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो वो प्लांट को आप कम से कम 10 से 12 इंच का ही पॉट में लगाएं, उससे बड़ा पॉट में ना लगाएं। अगर आप ग्रो बैग में लगाना चाहते तो 9 इंच का ही ग्रो बैग में लगाइए। आम का प्लांट बाकी पेड़ पौधे के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ नहीं लेता, इसको डायरेक्ट कभी भी 18 या 20 या 24 इंच का गमला में या ग्रो बैग में बिल्कुल भी ना लगाए, ये गलती कभी भी आप ना करें। दूसरी बात होता है, जब आपका प्लांट मान लीजिए साल भर या डेढ़ साल दो साल पुराना प्लांट है जो आप मंगवाए हुए हैं, तो उसको आप 12x12 या 15x15 में लगा सकते हैं, मगर अगर आपका प्लांट एकदम छोटा है जो 2-3 महीना या 6 महीना के नीचे है तो उसको बेटर रहता है 10 इंच का ही आप पॉट में लगाए, उससे जब उसका 10 इंच का पॉट में जब उसका रूट बाउंड हो जाए आप देख ले, इसके बाद ही आप उसको रिपोर्ट करें। 2 से 3 शिफ्ट के बाद ही आप बड़ा ग्रो बैग या बड़ा पॉट में डायरेक्ट आप बड़ा पॉट में या बड़ा ड्राम में कभी भी यूज ना करें, जब भी आप मैंगो का प्लांट लेकर आते, क्योंकि मैंगो का प्लांट होता है ना वो एक ग्रोथ लेता है, फिर वो मजबूत होने के बाद वो ब्रांच फिर उस दूसरा ब्रांच निकलते हैं, और डायरेक्ट एक साथ ज़्यादा ब्रांच बेल की तरह नहीं निकलता है। या दूसरा जैसे अनार है, गुआवा है, ये ज़्यादा तेज़ी से जितना ग्रोथ लेता है उतना तेज़ी से आम का प्लांट ग्रोथ नहीं लेता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आप आम का प्लांट लगाना हो तो अगर 6 महीना पुराना हो, 6 महीना से नीचे का हो, तो उसको कम से कम 10 इंच का ही पॉट में यूज करें। अगर साल भर या 1.5 साल का है तब उसको 12 इंच का पॉट में आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो गलती करता है आदमी लोग, वो ये करता है कि उसका सोइल
जी सोइल मिक्स में गलती करता है, जिसके कारण भी आपका प्लांट मर जाता है। देखिए जब भी आम का प्लांट का सोइल मिक्स अलग होता है, आम का प्लांट जो होता है ना उसका अलग ही सोइल मिक्स बनाया जाता है, वो बाकी फ्रूट के मुकाबले उसका सोइल मिक्स नहीं होता है। तो जब भी आप आम का प्लांट लगाते हैं उसका सोइल मिक्स थोड़ा अलग होता है। आम का प्लांट में आप लगाना चाहते हैं तो इसमें आपका 60% आपका मिट्टी लेना है, 60% मिट्टी, क्योंकि आम में थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए आम का पौधा आप लगाते हैं तो 60% मिट्टी लीजिए। इसके बाद 30% आप चाहिए तो गोबर की खाद है, सबसे बेस्ट होता है गोबर की खाद जो 3 साल पुराना हो, एकदम वो काला हो चुका हो, वो गोबर की खाद सबसे बेस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट से भी स्ट्रॉन्ग होता है वो खाद और बहुत अच्छा होता है और काफ़ी ठंडा भी होता है। तो जब अगर आप गोबर की खाद में वो तो बोलता हूँ वर्मी कंपोस्ट से अच्छा आप 3 साल पुराना गोबर का खाद लीजिए जो एकदम काला हो चुका हो, वो काफ़ी अच्छा पावरफुल फर्टिलाइजर खाद के माफिक काम करता है, वो आम के लिए सबसे बेस्ट होता है। उतना पुराना नहीं है तो या तो आप गोबर की खाद जो भी है वो ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए। 30% वर्मी कंपोस्ट, 60% आप मिट्टी लीजिए, इसके बाद आप 5% इसमें रेट मिलाइए, 5% आप ऑर्गेनिक जो खाद होता है वो दीजिए। ऑर्गेनिक खाद में एक बात और याद रखिए, सब खाद आपको नहीं देना है ऑर्गेनिक में, कभी भी आम का प्लांट में आपको सरसों का खली और नीम का खली का यूज़ नहीं करना चाहिए। जब आपका प्लांट नया हो या नया रिपोर्ट वो कर रहे हैं नर्सरी से लेके आ रहे हैं तो उसको कभी भी सरसों का खली और नीम का खली का उपयोग ना करें, क्योंकि सरसों का खली रहता है उसमें फंगस पकड़ने की काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा जो नीम खली रहता है वो, ये दो आप कभी भी शुरुआती दौर पे आप ना यूज करें तो बेटर होता है। इसके बाद आप चाहिए तो जो भी आपका रहता है वो आप फर्टिलाइज़र थोड़ा मिक्स कर दें और इसके बाद आप रिपोर्ट करें। एक बात और याद रखिए, सबसे बेस्ट रहता है कि आप कोई भी ऑर्गेनिक खाद ही मत दीजिए, सिर्फ 60% मिट्टी और 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 5% आप रेत मिला दीजिए, और 5% आपको क्या होता है कि जो भी आपका मान लीजिए आप ऐसा कीजिए कि उसमें कुछ भी ऐसा मिला दीजिए जिसको जिसके कारण यह हो सके तो आप गोबर की खाद का पूरा मात्रा कर दीजिए, सिर्फ थोड़ा सा उसमें रेत मिलाइए तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आपका ग्रोथ भी अच्छा ले लेता है और काफ़ी अच्छा रहता है। जब वो प्लांट आपका 3 महीना या 6 महीने का हो जाए फिर इसके बाद आपको जो खाद देना है ऑर्गेनिक में वो आप धीमे धीमे दे सकते हैं, मगर शुरुआती दौर पे नीम खली और मस्टर्ड केक जो होता है सरसों का खली का, ये दोनों का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, इस पे भी प्लांट का मरने का चांस रहता है। बाकी आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपका ऊपर मैटर करता है आप कौन सा खाद देना चाहते हैं। ऑर्गेनिक खाद में सब बहुत सारा खाद है जो आप दे सकते हैं, मगर ये दो खाद बिल्कुल भी शुरुआती दौर पे ना दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग आम का जो प्लांट मंगाते हैं वो काफ़ी महंगा रहता है, डिलीवरी चार्ज भी काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसके बाद भी वो प्लांट आके मर जाए तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। एक प्लांट मर जाने को उतना अफसोस नहीं होता है, मगर जितना अगर 2-3 मर जाता है, मैं बहुत सारा ऐसा रिव्यू देखा हूँ यूट्यूब पे पर जिसमें बहुत सारा ऐसा प्लांट मर चुका है फिर उसको प्रॉब्लम होता है डिलीवर को वापस लेने जाने में। तो शुरुआती दौर पे आप ये गलती नहीं करेंगे ना तो आपका प्लांट अच्छा रहेगा। कभी भी प्लांट में मैंगो का प्लांट में आपका जल्दबाजी ना करें तो ही अच्छा रहता है, ना उसमें जल्दबाजी फ्रूटिंग ले ना उसमें जल्दबाजी ग्रोथ के चक्कर में पड़े, ये चीज़ याद रखिए। फिर आपका मैंगो का प्लांट मान लीजिए 3 महीना से 6 महीना पुराना हो जाता है, फिर इसमें ऑर्गेनिक खाद आपको यूज करना है तो ऑर्गेनिक कर सकते हैं, या केमिकल का जो भी खाद यूज करना है वो केमिकल का खाद यूज कर सकते हैं, पर आपको 6 महीना आपको बराबर अच्छे तरह से उसको केयर करना है। उसमें अगर मंजर भी आता है तो फ्रूट तोड़ देना है, उसका थोड़ा ग्रोथ पे ध्यान देना है, पौधे का थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये चीज़ आप याद रखिए, इसके बाद ही उसमें आप फ्रूटिंग लीजिए। क्योंकि जो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं ना उसमें बहुत मेहनत लगता है, हद से ज़्यादा मेहनत लगता है, इतना मेहनत लगता है कि सोच नहीं सकते, और वो मेहनत से हमें रिजल्ट कभी कभी नहीं आता है तो हम बहुत मासूम हो जाते हैं, बहुत महसूस हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम गार्डनिंग छोड़ देंगे क्योंकि हम इतना ज़्यादा मेहनत इतना ज़्यादा केयर करूँ और उसमें हमें अच्छा फल ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ वो बात आप बिल्कुल से अच्छी तरह से आप फॉलो करेंगे
तो आपका आम का प्लांट में अच्छा हेल्थ भी बना रहेगा, अच्छा ग्रोथ भी लेगा आपका प्लांट। आपको बोल दूँ तो 95% में बोलता हूँ कि आपका प्लांट ना ही मरेगा, अगर ये बात का आप ध्यान रखते हैं। कभी भी आम का प्लांट में आप जल्दबाजी ना करें ग्रोथ के मामले में, तो ही आपका बेटर रहता है। तो ये चीज़ आप हमेशा फॉलो करेंगे तो आपका आम का पौधा काफ़ी बेस्ट रहता है। फिर से सुन लीजिए, फर्स्ट रहता है जब भी आप छत पे लगाए तो वैरायटी रहता है, दूसरा रहता है आपका पॉट रहता है, तीसरा रहता है इसका सोइल रहता है, चौथा रहता है इसके बाद खाद रहता है। तो ये बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्लांट को रिपोर्ट या प्लांट अगर आप छत पे आम का लगाना चाहते हैं तो ये बात को हमेशा याद रखना बहुत ज़रूरी रहता है। वैरायटी, पॉट, रिपोर्ट, सोइल और इसके बाद खाद। खाद सबसे लास्ट में ज़रूरी रहता है। जब हमारा प्लांट एक अच्छा ग्रोथ ले ले इसके बाद ही हम खाद देंगे तो वो हमारा प्लांट एडजस्ट कर लेगा। अगर हमारा प्लांट अगर पहले से ही बीमार है तो उसको हम कितना भी खाद पानी देंगे तो वो खाद पानी एडजस्ट करेगा ही नहीं, वो प्लांट मर भी जा सकता है। तो ये चीज़ का याद रखिए, 6 महीना तक आपको कुछ भी केमिकल का तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये चीज़ हम हमेशा याद रखिए, केमिकल का फर्टिलाइज़र 6 महीना तक नहीं यूज करें तो ही काफ़ी बेटर रहता है। पहले आप प्लांट पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप ऑनलाइन प्लांट मंगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन बाद ही उसको रिपोर्ट करें, कभी भी जल्दबाजी ना करें तो ही अच्छा है। अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपका, हमें बोलता हूँ, 95% चांस रहेगा आपका प्लांट नहीं मरेगा, काफ़ी हेल्दी भी रहेगा और अच्छा फ्रूटिंग भी करेगा। ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा, काफ़ी हेल्दी रहेगा। ऐसा ही अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलूंगा अगले वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।